जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरी से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो गाइज़, गर्मियों का भी आगाज़ हो चुका है और आज हमारी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूप निकली हुई है और सूरज देखें, बहुत ज़्यादा आज तपश है। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गैर ज़रूरी तौर पर हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि अगर काम हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब जितनी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन मज़दूरों को जो इतनी गर्मी की शिद्दत में काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, और अगर जब सर्दियाँ होती हैं और सर्दियों में भी सर्दी नहीं देखते और सारा दिन काम करते हैं, और इस तरह गर्मियों में भी अब तो इतनी गर्मी में काम करना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इतनी गर्मी में, गर्मी की इतनी शिद्दत में, इतनी शिद्दत होती है कि बंदा एक मिनट के लिए गर्मी में काम नहीं कर सकता। तो लेकिन जो हमारे मज़दूर भाई हैं वो इतना काम करते हैं गर्मियों में, उनके लिए एक दिन भी मुख्तस किया हुआ है 1 मई का, जो लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है, जो कि एक रस्मी कार्रवाई पूरी की जाती है, लेकिन उसका जो मकसद असल है वो पूरा नहीं होता। क्योंकि लेबर डे का मकसद यही है कि जो हमारी जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको जितने भी काम करने में मुश्किल आती हैं उनको दूर किया जाए, और इसके अलावा उनकी जो उजरत है वो उनको टाइम पर दी जाए। मतलब जैसे ही उनका काम ख़त्म हो उनको उजरत दी जाए, ताकि वो अपने जो घर के जो अखराजात हैं वो उनको टाइम पर पूरा कर सकें। क्योंकि मज़दूर यही अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं, अगर उनको टाइम पर मज़दूरी ना मिले तो फिर ऐसे काम करने का फ़ायदा नहीं है। वैसे भी हमारी जो तालीमात हैं और हदीस पाक भी आकर सलाम ने फरमाया कि मज़दूर की जो मज़दूरी है वो पसीना जो मज़दूर का है वो खुश्क होने से पहले अदा कर दिया है। तो इसलिए जो हमारे मज़दूर भाई हैं उनका हमें ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि इतनी शिद्दत में गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो लोग अपने दफ्तरों में काम करते हैं उनको इस चीज़ का शायद एहसास ना हो, क्योंकि वो तो उनके एसी लगे होते हैं और आराम सुकून से बैठ के काम करते हैं, लेकिन जो मज़दूर गर्मियों में इतना काम करते हैं, इतनी धूप की शिद्दत होती है और वो काम कर रहे होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो भी जिनके मतहत लोग हैं, मज़दूर काम करते हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे कि गर्मियाँ हैं उनमें, गर्मी में उनका ख्याल रखें, उनको शरबत वगैरह और जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, तो उनको वो देना चाहिए काम करने के दौरान, और वो जिस जगह काम कर रहे होते हैं उनको वो अच्छी जगह प्रोवाइड करें, ताकि वो अपनी सेहत का भी ख्याल कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें।